नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़ का खास प्रोग्राम चर्चा है खास। आज हमारे साथ कृषि मंत्री कमल पटेल जी साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे कृषि योजना के लिए। प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, बात करेंगे कौन सी नई योजनाएं ला रहे हैं जो कृषि किसानों के भविष्य के लिए सुरक्षित रहेंगी और किसान इससे फ़ायदा उठा सकेगी। सर, कौन सी और योजनाएं, तीन योजनाएं आप जिसके बारे में बात कर रहे थे ला रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी सरकार का, कि किसान की आय हमको 2024 तक दोगुना करना है। और इसलिए किसान की आय बढ़ाने के लिए जो जो कदम उठा सकते हैं हमने उठाए हैं। जैसे समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करती है, लेकिन मनमोहन सिंह जी के समय से एक नियम बना हुआ था कि एक दिन में हम समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर 25 ही क्विंटल खरीदेंगे, एक हेक्टेयर में 13 ही क्विंटल खरीदेंगे, सरसों मसूर 15 ही खरीदेंगे। कमलनाथ जी ने 19 क्विंटल किया था, लेकिन हमने पूरे प्रदेश में 20-20 क्विंटल किया। 25 क्विंटल की सीमा भारत सरकार से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से हटवाई, जिसके कारण हमने पूरा समर्थन मूल्य पे 20-20 क्विंटल जब माल खरीदा, चना, सरसों, मसूर, तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो उनको मजबूरी में समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदना पड़ा। इस प्रकार हम 1000 से लेकर 2000 रुपये क्विंटल किसान को ज़्यादा दिलाने में सफल हुए। फिर चना, सरसों, मसूर गेहूँ के पहले आता है, लेकिन खरीदा जाता था बाद में। मध्य प्रदेश में 75% किसान 5 एकड़ से छोटा है, और इसलिए वो आधी कीमत में बेच देता था, इसलिए खेती घाटे का धंधा होती थी, किसान कर्ज में आता था और आत्महत्या करता था। मैंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलकर, हमने इसमें नीति को परिवर्तन किया कि गेहूं से पहले हम चना, सरसों, मसूर खरीदेंगे, और इसलिए हमने इस बार चना, सरसों, मसूर 15 मार्च से खरीदी शुरू की, पंजीयन पहले ही करा दिया। तो छोटे किसान जो 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ के जो आधी कीमत में बेचते थे, उन्होंने पूरा चना, सरसों, मसूर रोक लिया और समर्थन मूल्य में पंजीयन हो गया उनका। सबसे पहले हमने 1 हेक्टेयर वाले का खरीदा, फिर 2 हेक्टेयर वाले का, छोटे किसान का, और इसलिए पूरा समर्थन मूल्य पे माल आने लगा। तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो फिर समर्थन मूल्य से ऊपर हो गया। 5100 रुपये मसूर और चने का समर्थन मूल्य है, वो 5600 तक बिका, 6000 तक बिका। सरसों का समर्थन मूल्य 4850 है, वो 6500-7000 तक बिकी। और इस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 करोड़ रुपए हमने एक नीति परिवर्तन करने से, जो बाद में खरीदते थे वो पहले खरीदा, जो 13 क्विंटल 15 क्विंटल कांग्रेस के समय खरीदते थे वो हमने 20-20 क्विंटल किया, और जो सीमा 25 क्विंटल की थी उसको हटाई, उसके कारण 10,000 करोड़ किसानों को ज़्यादा दिलाने में हम सफल हुए हैं। और मोदी जी का संकल्प 2 गुना करने का 22 तक का हमने 21 में पूरा किया है, और कांग्रेस की गलत नीति को हटा, इसलिए कांग्रेस की गलत नीति से व्यापारी और उद्योगपति कमाते थे, और हमारी सही नीति से किसानों को कमाया। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही कि भाजपा जो है समर्थन मूल्य पे नहीं दे रही है, भाजपा जो अपना ये किसान रूल्स आए। देखिए, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा और उससे ज़्यादा रेट दिलाने में सफल हुए। कांग्रेस ने तो समर्थन मूल्य भी देखो ना, भेदभाव किया था। कमलनाथ जी ने 19 क्विंटल किया था, छिंदवाड़ा में पूरे प्रदेश के साथ अन्याय किया, किसानों के साथ धोखा किया, किसानों को कर्ज माफ करने का कहा किया नहीं, इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया, किसानों ने हमेशा के लिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब दूर 20-20 क्विंटल किया, सबकी सीमा हटाई। अभी मूंग का, गर्मी की मूंग हमने डैम का पानी छिड़वाया कोरोना संकट के समय, और उससे इतना मूंग पैदा हुआ है, 4,77,000 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया गया। और देश के अंदर दालों की कमी है, आयात करना पड़ रहा है भारत का, और इसलिए मध्य प्रदेश देश का एक उदाहरण बना। मोदी जी ने कहा था ना कि संकट आता है तो उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो और उसको अवसर में बदलो, तो मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने, हमने इस संकट, कोरोना के संकट को चुनौती में लिया, उसको अवसर में बदला, डैम के पानी छुड़वाए, किसानों ने, मजदूरों ने मेहनत की, और उसके कारण मजदूरों को भी काम मिला, रोजगार मिला उनको, खाद भी, दवाई की दुकान भी चलाई। और अब किसान का समर्थन मूल्य 7,196 रुपये जो था वो बिक रही थी 5,000 के अंदर, और अभी समर्थन मूल्य पे मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते तो वो 4,000 रुपये हो जाती, लेकिन अब घोषणा होने से 7,196 में हम खरीदेंगे 15 जून से, और मेरे को विश्वास है कि वो 7,500-8,000 हो जाएगी। और इस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों को सिर्फ मूंग की फसल के लिए 6,56,000 मेट्रिक टन जो हुआ है उसमें 2,000 करोड़ ज़्यादा दिलाने में हम सफल होंगे, और किसानों की जेब में जब पैसा आएगा तो व्यापार व्यवसाय भी चलेगा, आर्थिक स्थिति ठीक होगी, किसान की आय दोगुना होगी। सर, अक्सर देखा गया है कि बड़े किसान जो हैं वो बीमा का लाभ ले लेते हैं, छोटे किसानों को, मध्यम वर्गीय किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए अभी प्रदेश सरकार कुछ कर रही है क्या? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में अभी उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी, और मेरा तो शुरू से ही मानना है कि हमने देखा कि जो किसान रेगुलर होता है, जो बैंक से ऋण लेता है, KCC बनवाता है, उसी समय उसका 2% खरीफ में और 1.5% रबी में फसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि कट जाती है। लेकिन जो किसान डिफाल्टर है, जो किसान छोटा है, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3, 4, 5,
उसका बैंक में अकाउंट नहीं होता है या वो डिफाल्टर होता है तो उसका बीमा नहीं होता और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो किस्त जमा कर सके। और इसलिए 1,03,000 किसान है मध्य प्रदेश में, बीमा मात्र 30 लाख 32 लाख 35 लाख का होता है। पिछले बार सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम किसानों को सहायता देंगे और इसलिए हमने बीमा की तारीख बढ़ाते गए। और रविवार के दिन आज़ाद भारत में पहली बार मध्य प्रदेश में हमने रविवार को बैंक खुलवाई ताकि किसान बीमा करा ले। गांव गांव हमने डोंडी पिटवा कर किसानों को कराया तो 44,56,000 किसान का बीमा करा पाए। और 1 ग्राम का बीमा नहीं था, हमने उसको राजस्व ग्राम से जोड़ के पहली बार हमने हरदा से पायलट प्रोजेक्ट लिया और पूरे प्रदेश में कर दिया। तो अब बदमाशियों का भी 1 ग्राम का भी बीमा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी 44,56,000 का हुआ 1,03,000 में से। और इसलिए हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं 100% किसानों का बीमा हो और गरीब किसानों का बीमा हो ताकि उनकी सुरक्षा हो जाए, अगर फसल खराब हो तो सुरक्षा कवच मिले, लेकिन वो किस्त नहीं भर सकते। और इसलिए हमने सुझाव दिया है कि हम 2 हेक्टेयर तक के किसान का बीमा प्रीमियम सरकार भर दे। तो उसके लिए वित्त विभाग को दिया हुआ है कि उसकी क्या स्थिति प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति के अनुसार, लेकिन हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री जी और शिवराज जी की, हम सबकी मंशा है कि हम छोटे किसान जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार है और छोटे किसानों का भी प्रीमियम सरकार भरे और उनको बीमा करा दें, उसकी योजना चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम इसको लागू करेंगे। सर, कमलनाथ सरकार में बीमा जो हुआ था किसानों का वो भरा नहीं गया था, उसको भी लेकर भाजपा ने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। देखिए, कमलनाथ और कांग्रेस ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। इसलिए चुनाव के पहले इन्होंने किसानों से कहा कि हम तुम्हारा 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ़ नहीं किया 2 लाख तक का तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। वो लोग धोखे में आ गए, लेकिन 15 महीने रहे कमलनाथ जी, कर्जा माफ़ नहीं किया, ने उसको हटाया, खुद ही हट गए राहुल गांधी। और इसलिए ये जो कहते हैं वो करते नहीं, थूक के चाटने वाले लोग हैं, इसलिए जनता का विश्वास इन पे से उठ गया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती, यहाँ तक कि जो प्रीमियम भरना था प्रदेश सरकार को वो भी नहीं भरा इन्होंने। और किसानों का जो बीमा जितनी इसके अलावा फाइनेंस रहता है जितना, उतना 100% हम बीमा करते थे पहले, इन्होंने उसके इसके अलावा फाइनेंस का 75% कर दिया, यानी 25% कम, ताकि इनको प्रीमियम कम भरना पड़े। एक तो प्रीमियम भरी नहीं और दूसरा किसानों को बीमा कम मिले, और क्यों, क्योंकि प्रदेश सरकार को पैसा ना भरना पड़े, इसलिए 75 कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में वापस आई, 1 सप्ताह के अंदर 2200 करोड़ हमने जमा किए। उसके बाद मैं कृषि मंत्री बना, हमने जो 75% इसके अलावा फाइनेंस था बीमा करने का उसको 100% किया। भले ही प्रदेश सरकार को ज़्यादा राशि भरना पड़े, भरेंगे, लेकिन किसानों का हित नहीं होने देंगे। और अब हम छोटे किसानों का प्रीमियम भी हम भरने जा रहे हैं, अगर पास हो गया तो ये छोटे किसानों का भी प्रीमियम हो जाएगा, तो ये कर्ज में नहीं आएंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे और खेती लाभ का धंधा बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प हम मध्य प्रदेश में पूरा कर रहे हैं शिवराज जी के नेतृत्व में। सर, मंडियों को लेकर चर्चा रहती है, मंडियों में किसानों को और क्या सुविधा मिलेगी, ये इसको लेकर भाजपा सरकार क्या नीतियाँ बना रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जब से मैं कृषि मंत्री बना हूँ, क्योंकि मैं पहले किसान हूँ और किसानों की समस्या मुझे एक एक पता है, कहाँ कहाँ उनके साथ शोषण होता है, कहाँ कहाँ उनके साथ धोखा होता है, चीटिंग होती है, कहाँ उनको सही फसल का रेट नहीं मिलता है, फसल बेचने के बाद व्यापारी पैसा लेके भाग जाते हैं और वो बेचारा परेशान रहता है, और एक बार किसान का पैसा नहीं मिला तो ज़िंदगी भर के लिए वो कर्ज में आ जाता है। और इसलिए जो जो भी समस्याएँ हैं, जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं, उनको सबको ठीक करने का हमने काम किया है। अभी मैंने हमारे रायसेन के जो मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे किसानों को 2 साल से भटक रहे हैं, पैसा व्यापारी खा के भग गया, पैसा नहीं मिल रहा। मैंने मंडी बोर्ड से उनके पैसे दिलवाए। हमारे विश्वास सारंग जी चिकित्सा शिक्षा मंत्री भोपाल में भी उसी व्यापारी ने पैसा लेके चला गया, उनको नहीं मिला, उनको भी हम दिला रहे हैं। नियमों में संशोधन करके शिथिल करके भी हमने दिलाया कि मंडी के बाहर, मंडी क्षेत्र के अंदर उन्होंने बेचा था तो नियम तक मंडी के अंदर और 5 दिन के अंदर शिकायत करना चाहिए। अब किसान तो व्यापारी से भरोसा करता रहता है, 1 महीने 2 महीने 4 महीने चक्कर लगाता, जब नहीं मिलता जब शिकायत करता, तो एक नियम की 5 दिन में शिकायत क्यों नहीं करी, इसलिए पैसा इनको नहीं मिला था, 2 साल से भटक रहे थे। लेकिन मैंने उन नियमों में संशोधन कर दिए, शिथिलीकरण कर दिए और दिलवाए, उसके करोड़ों रुपये हमने किसानों को दिलाने में सफलता प्राप्त की। क्योंकि किसान कितनी मेहनत से अनाज पैदा करता है और अगर उसका पैसा नहीं मिलेगा, पूरी फसल चल जाएगी, ज़िंदगी खराब हो जाएगी, कर्ज में रहेगा और आत्महत्या करेगा। और इसलिए हमने उनको नियमों में संशोधन किए, उनको राशि दिलाई है। दूसरा, हमने मंडी के अंदर किसान अनाज लेके आता है, अभी कोरोना के संकट में उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद थे, सिर्फ एक क्षेत्र खुला था खेती, और किसानों ने पसीना बहाकर अनाज पैदा किया, तो हमको दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध मिला। 130 करोड़ लोग जिंदा है कोरोना के लॉकडाउन के समय, तो सिर्फ और सिर्फ किसानों के कारण। देश की अर्थव्यवस्था अगर ठीक है, प्रदेश की और देश की, तो वो किसानों के कारण। और इसलिए
किसान का सम्मान होना चाहिए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और किसानों के सम्मान के लिए जब मंडी में किसान आता है, मैंने एक आदेश निकाला है कि किसान का सम्मान होना चाहिए, तो भारतीय परंपरा के अनुसार चंदन लगाकर और नमस्कार करके उनका स्वागत कीजिए, उनको सही तोल कराइए, पेमेंट दिलाइए और उनके साथ न्याय करिए। एक दूसरा, हमने किसान सुविधा केंद्र शुरू किया है, कमल सुविधा केंद्र। किसान को किसी प्रकार की समस्या है वो कमल सुविधा केंद्र में, जिसका नंबर है 07552558823, इस पर शिकायत करें, बीमा की शिकायत करें कि हमको बीमा नहीं मिला, हमको पैसा नहीं मिला, सम्मान निधि नहीं मिली, हम त्वरित उस पर कार्रवाई करते हैं। मुझे बताते हुए आज खुशी हो रही है और किसान भाइयों आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ कि कमल सुविधा केंद्र पर जो शिकायत आई उसकी हमने बीमा की भी जांच कराई। तो जहां 2019 का बीमा कमलनाथ जी ने दे दिया था, शिवराज जी और हमारी सरकार आने के बाद में जो पैसा जमा किया, जिसके कारण बीमा कंपनी ने 2019 खरीफ का 4500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था, लेकिन कई किसानों का हमको बीमा नहीं मिला, किसी के अकाउंट में गलती नंबर के कारण, किसी का आधार कार्ड का नंबर कारण, किसी का बैंक ने प्रीमियम समय पर बीमा कंपनी में जमा नहीं किया, वो जमा किया तो उन्होंने 90,000 किसानों को लौटा दिया। मैंने बीमा कंपनी और बैंक की बैठकें लगातार हर सप्ताह बुलाई, उनको निर्देश दिए कि किसानों के साथ छल नहीं होना चाहिए, किसान का प्रीमियम कटा तो किसान को बीमा मिलना चाहिए, अगर बैंक वालों की गलती है तो बैंक वाले दें बीमा और बीमा वालों की बीमा नहीं तो मैं FIR कराऊंगा। और उसके कारण वो दोनों को बिठा कर सहमत कराई और 4500 करोड़ से बढ़ाकर 5,562 करोड़ किसानों के खातों में जमा करवाए। फिर 2,04,000 किसानों को 300 करोड़ रुपए और अभी स्वीकृत कराए। आगर मालवा जिले के 800 किसानों का रिलायंस बीमा कंपनी प्राइवेट कंपनी है, उसने पैसा नहीं दिया था एक साल से, वहाँ के किसानों ने शिकायत की, मैंने किसानों की एक समिति बनाई, उसमें जाँच समिति बनाई, उसमें कलेक्टर को, किसान को प्रतिनिधि और बैंक का और एक बीमा कंपनी का रखा और उसके कारण 800 किसानों को 23 करोड़ जो मिलना ही नहीं था वो भी हमने दिलवाया और इस प्रकार 9000 करोड़ से भी ज़्यादा राशि हम किसानों को दिलाने में सफल हुए। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये है कृषि मंत्री, ये है मुख्यमंत्री शिवराज जी। किसानों को एक जगह पे सभी सुविधा उपलब्ध कराने की बात चल रही थी मंडी के अंदर। हम किसान को जब फसल लेके आता है वो बेच के जाता है तो फिर वो कहीं ट्रैक्टर खड़ा करता, पुलिस वाले परेशान करते हैं, इस दुकान पर जाता है सर पर माल रख के होता बोरे कहीं का जेब काट लेता है और नकली चीज़ भी मिलती है बाज़ार में। और इसलिए किसान को असली बीज, असली खाद, असली दवाई मंडी में ही मिल जाए, इसके लिए मैंने एक प्लानिंग की है। मैंने मंडी बोर्ड में संचालक मंडल की बैठक में प्रस्ताव पास कराया, उसके लिए बजट की व्यवस्था की है और अब हम मंडियों में पायलट प्रोजेक्ट से शुरू कर रहे हैं कि मंडी में किसान आएगा तो सम्मान होगा, सही तोल होगा, सही भाव मिलेगा और जब वो घर जाएगा पैसा तो बैंक होगी, वहीं उसको खाद, बीज और दवाई मिले। उसके लिए किसान कार्ड बना रहे हैं हम, जिसमें हर किसान की उसकी कितनी ज़मीन है और उसने क्या फसल बोई, उसका बैंक अकाउंट कितना है, उसकी जानकारी रहेगी और उसके अनुसार उसको खाद, बीज, दवाई मिलेगी। एक किसान कैंटीन भी बना रहे हैं, जिसमें जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है तो मिलिट्री वाले नौजवानों को, वो देश के लिए जीते हैं तो इसलिए उनको सस्ता और अच्छा क्वालिटी का माल मिलता है। इसी प्रकार किसान भी देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, उनको भी अच्छा और सस्ता मिलना चाहिए। तो मंडी में सुई से लेकर हार्वेस्टर और ट्रैक्टर तक उनको वहीं मिलेंगे, किराना सामान हो जो चाहिए उनको, और उसी के साथ किसान का स्वास्थ्य ठीक रहे इसलिए हम अटल क्लिनिक भी शुरू कर रहे हैं, ताकि किसान की जांच वहाँ जब 4 घंटे 6 घंटे रुकता है वो फसल बेचने समय, तो उसका निःशुल्क उसकी जांच हो जाए और उसका सस्ता उपचार हो जाए। तो इस प्रकार किसान को हर सुविधा देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प किसान की आय दोगुना करना है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी और गर्व है कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमने 21वीं पूरा किया। इस बार 10,000 करोड़ हमने चना, सरसों, मसूर में ज़्यादा दिलाए, मूंग में 2,000 करोड़ रुपये ज़्यादा दिलाए और समर्थन मूल्य MSP की, जो किसान नेता संगठन मांग करते हैं कि MSP की गारंटी के हमने MSP से ऊपर बिकवाने में भी सफलता प्राप्त की है जी। ये योजना हमारी है। तो कृषि मंत्री कमल पटेल जी का साफ कहना है कि किसानों के हित में सरकार काम कर रही है, भाजपा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, चाहे वो किसान कैंटीन की बात हो, चाहे अटल क्लिनिक की बात हो, चाहे बीमा योजना की बात हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज़ भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
देख रहे हैं दखल न्यूज़।